हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे डीपीपी नंबर सीक्वेंस एंड सीरीज का। डीपीपी नंबर 1, 2, 3 कुछ कुछ डीपीपी डिस्कस करेंगे। उसमें के कुछ पर्टिकुलर सवाल डिस्कस करेंगे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, कैसे सॉल्व होंगे, इन्हीं सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो डीपीपी है अपना, डीपीपी नंबर पहला का जो हम लोग A3 यानी आपका A3 क्वेश्चन है वो यहाँ पे लगा हुआ है। डीपीपी सिर्फ इसलिए है कि सोल्यूशन डाल दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे चैनल पे अपने, मिलेगा आपको। और जब भी इसके अलावा बियॉन्ड दिस सॉल्यूशन, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग मोर, यू कैन डायरेक्टली डीएम, डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर या आप मेरा जो है नंबर आपको यहाँ पे क्लियरली मिल जाएगा, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, जिसको कि मैं पढ़ के आपको अपना नंबर भी दे सकता हूँ या फिर वहाँ पे मैं आपके मैसेज का जवाब दे सकता हूँ। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर रहेगी। आप सीधे बोल सकते हैं कि सर डीपीपी नंबर सिक्वेंस सीरीज का, इस डीपीपी का, चाहे किसी दूसरे डीपीपी का, पर्टिकुलर टॉपिक के डीपीपी का, सर मुझे सॉल्यूशन बता दीजिए ये सवाल का। तो आप जो भी ये चीज़ें मेंशन करेंगे, मैं वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा, या आपको डायरेक्ट पर्सनली आपके अपना नंबर छोड़ देंगे तो उस पर मैं मैसेज कर दूंगा, या जो भी पर्टिकुलर आपका चीज़ें हो सकती है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बाकी देखिए यहाँ पे सवाल ये लिखा हुआ है कि हाउ मैनी, देखिए ये हमारा डीपीपी नंबर, जो डीपीपी नंबर आपका फर्स्ट है उसका A3 क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, 9 सीरीज दे रखा है आपका, -9, -6, -3, कह रहा है कि ये मस्ट बी टेकन जिसका सम सम दे रखा है आपका 66 हो जाए। यानी आपका, हम लोग जानते हैं कि SN का फार्मूला होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फार्मूला होता है क्या, N/2। क्या होता है N/2, यहाँ पे ले लिया 2A+N-1 × D। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो आपका यहाँ पे जो क्लियरली इस सीरीज का ए है वो है -9, जो इसका डी है वो है आपका, देखो सेकेंड टर्म में से पहला टर्म को अगर मैं घटा दूंगा तो डी इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका 3। यानी SN इज इक्वल टू हो गया यहाँ से, ये देखिए 66 आपका N/2, 2A के जगह पे -9 प्लस N-1 D के जगह पे 3। अब यहाँ पे इसको ले आके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 132 इक्वल टू N, ये हो गया -18 प्लस 3N-3। यहाँ से क्या आ गया आपके सामने, ये हो गया, अब इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह जो भी है और जो भी है अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये लिखा हुआ है N3N-21। फिर इसको एक लाइन और सॉल्व किया जाए तो ये लिखा हुआ है 3N²-21N-132 इज इक्वल टू 0। सब में 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो डिवाइड करेंगे तो N²-7N-44, देखो 4 बार जा रहा है यानी 44 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो N²-11N+4N यानी 44 -44 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन हो गया तो N-11 हुआ, यहाँ से 4 कॉमन हो गया तो N-11 = 0 हो गया। यहाँ से फाइनली क्या आया बच्चों, N-11 कॉमन हो गया और यहाँ पे हो गया आपका N+4 = 0। यहाँ से n की वैल्यू या तो 11 आई या n की वैल्यू -4 आई, लेकिन n की वैल्यू ये 11 हो सकती है, -4 इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि आपका नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए आंसर आपका हो जाएगा इसका N=11। बोलिए बच्चे लोग, बात समझ में आई हाँ या ना। ठीक है, तो ये आपका सवाल देखिए, यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है N की वैल्यू 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। चलिए,